न्यूज स्टार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की। दीपावली के आते ही जबलपुर का थोक फटाका बाजार रौनक से भर गया है। इस बार बाजार में विभिन्न तरह के फटाकों की भरमार देखी जा रही है। व्यापारी और दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को रंगीन लाइट्स और सजावटी सामान से सजा रहे हैं ताकि ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर सके। बाजार में छोटे और बड़े फटाकों की भरपूर वैरायटी उपलब्ध है, जिनमें खासकर पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं, जो कम धुआं और आवाज पैदा करते हैं। प्रशासन ने भी इस बार सुरक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किए हैं। अधिकारियों ने दुकानदारों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है और फटाकों की खरीद बिक्री के लिए लाइसेंस चेकिंग शुरू कर दी है। बाजार में खासकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जो अपने पसंदीदा फटाकों की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। दीपावली का ये त्योहार जबलपुर के बाजारों में रंग और खुशियों का माहौल बना रहा है। जबलपुर से महेश शुक्ला के साथ विनय साहू की रिपोर्ट। फटाकों के रेट तो ऐसा जैसे लास्ट ईयर से लगभग सब वही है, और अभी कुछ दो चार आइटमों में जितनी छोटे आइटम होते हैं वे लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, उस कारण से उनमें थोड़ी सी वृद्धि दिख रही है। बाकी रेट जो गत वर्ष थे आज भी वही स्थिर। फैंसी आइटम में जैसे जंपर है या खींचने वाला धागा है, और जैसा छोटा पेपर शॉट होता है कि जो बच्चों को आवाज़ करता है, बच्चे सुरक्षित रहते हैं, कोई प्रदूषण नहीं होता है। ऐसे पटाखे बनाने का हमेशा पटाखा निर्माता प्रयास करता है कि जिससे बच्चों को नुकसान ना हो। भाई साहब, अपन एक फिनिश गुड्स विक्रेता हैं, हम बना हुआ माल बेचते हैं, ना कि हम निर्माता हैं। ये जो हादसे होते हैं वो कहीं ना कहीं मिश्रण जब बारूद का हो रहा होता उससे दुर्घटनाएं होती है। हमारा पटाखा विक्रेता को इन सब चीज़ों से मेरे ख्याल से उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आपको क्या लगता है इस वर्ष के व्यापार कैसा होगा? व्यापार तो भैया ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी सब पे कृपा करे, हमारे सामाजिक बंधु और जो हमारे अन्य व्यापारी हैं सभी पर लक्ष्मी माता सब पे कृपा करे। आपको सुनना, मैं मनोज कुमार चक्रवर्ती एमआर फाइबर्स।